हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन। जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जहाँ आप सभी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आज का हमारा ये टॉपिक होने जा रहा है माइक्रोबायोलॉजी। जी हाँ, माइक्रोबायोलॉजी का पहला क्लास रहेगा जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, उसका हिस्ट्री से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, माइक्रोस्कोप से क्वेश्चन रहेंगे और लास्ट में स्टैनिंग से भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर रहेगा जिसे डिस्कस करेंगे विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ जो यहां प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के फार्मासिस्ट में रहें, स्टेट लेवल के रहें, सेंट्रल लेवल के रहें, उन सभी का यहां पर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बाद, और उसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, 1326 नंबर का क्वेश्चन है, द कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट इस बेसिस पर एक टेस्ट ये काम करता है। देखते हैं क्या रहा है। द कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट वेजरमैन टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। जो वेजरमैन टेस्ट है वो कॉम्प्लेक्सेशन या कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पर काम करता है, और इस टेस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है, किसे डायग्नोस करने के लिए कर रहे हैं। ऑप्शंस, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस, साइफिलिस एंड टाइफॉइड। ये क्वेश्चन कहाँ का है, दिल्ली सबऑर्डिनेट, यहाँ से क्वेश्चन है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का 2019 का पेपर वन का ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, साइफिलिस। याद रखेंगे जब भी हम वेसरमैन टेस्ट की बात करते हैं, साइफिलिस को डायग्नोस करने के लिए, साइफिलिस को चेक करने के लिए, कन्फर्म करने के लिए हम यहाँ पर वेसरमैन टेस्ट को यूज कर रहे हैं। क्लियर। ये वेजरमेंट टेस्ट क्या होता है, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पर आधारित है, और इसे दो स्टेज में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का सीरम लेंगे और उसे इंक्यूबेट करेंगे वेजरमेन एजेंट के साथ, जिसे इंक्यूबेट किया जाता है गुनिया पिग कंपोनेंट के साथ फॉर 1 आवर्स एट द रूम टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस पर उसे रूम टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाता है 1 घंटे के लिए। और दूसरे में क्या करते हैं, उसे सिर्फ आरबीसी के साथ, जो एंटीजन हम यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं, इस एंटीजन के साथ इन्हें इंक्यूबेट करते हैं, और यहाँ से रिजल्ट पता चलता है पेशेंट में साइफिलिस प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, इट इज मेड इन ट्यूब कंटेनिंग अगर स्लोप एंड इज एम्प्लॉयड फॉर प्रोवाइडिंग अ प्योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम फॉर स्लाइट एग्लूटिनेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कल्चर मीडिया से क्वेश्चन है। कल्चर मीडिया, एक ऐसा कल्चर मीडिया जिसमें हम अगर का यूज करते हैं और अगर को हम स्लोप की तरीके से बनाकर वहाँ रख देते हैं, कौन सा ऐसा ये कल्चर मीडिया है, कारपेट कल्चर, स्ट्रिक कल्चर, स्ट्रोक कल्चर एंड स्टैब कल्चर। क्या होगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर, स्ट्रोक कल्चर। याद रखेंगे स्ट्रोक कल्चर पर हम क्या करते हैं, अगर का हम स्लोप बनाते हैं, अगर का हम यहाँ पर स्लोप बनाएंगे। और अगर क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर जो हमारे बैक्टीरिया है या जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसे हम एनालाइज करने जा रहे हैं, जिसे हम कल्चर मीडिया में ग्रो करने जा रहे हैं, उसे हम अगर मीडिया में इसलिए ग्रो करवाते हैं क्योंकि अगर मीडिया एक ऐसा मीडिया है, एक ऐसा नेचर है जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए उनके सभी रिक्वायर्ड इंग्रीडियंट्स उन्हें प्रॉपर तरीके से मिलते हैं। तो एक सबसे अच्छा मीडिया क्या होगा यहाँ पर, अगर के द्वारा बनाया जाएगा। और क्या हो रहा है यहाँ पर, स्ट्रोक कल्चर मीडिया के द्वारा हम इसे बना रहे हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू फ्यूस्टिन और द बेसिक स्टेन, बेसिक स्टेन की बात कर रहे हैं, इज यूज्ड टू स्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यू फ्यूस्टिन जिसे बेसिक डाई या बेसिक स्टेन के नाम से जानते हैं, इसे हम किस चीज को, बैक्टीरिया के किस चीज को, किस पोर्शन को हम स्टेन करने के लिए इनका यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ का है, दिल्ली फार्मासिस्ट 2017 का क्वेश्चन। ऑप्शन है यहाँ पर, कैप्सूल, फ्लैजिला, सेल वॉल एंड स्पोर। देखिए यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे बहुत ही इजी बन जाएगा। यहाँ हम बेसिक डाई या बेसिक स्टेन की बात कर रहे हैं। अब बेसिक है तो बेसिक डाई या बेसिक स्टेन किस पोर्शन को स्टेन करेगा,
हमारे एसिडिक पोर्शन को स्टेन करेगा। यहां पर देखिए एसिडिक पोर्शन क्या रहा है, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इन्हें स्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि बेसिक स्टेन का यूज करते हैं, क्लियर। बेसिक स्टेन है तो वो क्या कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन के द्वारा हमारे सेल वॉल को स्टेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक हिसाब का स्पेशलाइजेशन स्टेनिंग होता है, जिसके द्वारा हम हमारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हम स्टेन करने जा रहे हैं, क्लियर। चलिए फिर आते हैं हमीरपुर फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन, मैगॉट ऑफ हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई जो होते हैं इनके मैगॉट्स को किस नाम से जाना जाता है, प्यूपा, लार्वा, क्रिसाइलिस एंड इमागो, क्या हो रहा है यहाँ पर, करेक्ट आंसर देखिएगा। जब भी हम मैगॉट्स की बात करते हैं, मैगॉट्स इनका लार्वा स्टेज रहता है, जब ये एग ले करते हैं और वहाँ से एक लार्वा का फॉर्मेशन होता है, यही लार्वा आगे ग्रो होते हुए प्यूपा में कन्वर्ट होता है। जब आप इसका लाइफ साइकिल देखेंगे तो आपको और चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। यहाँ पर हम मैगॉट की बात करते हैं तो मैगॉट इनका लार्वा स्टेज रहेगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, लार्वा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है, लार्वा की बात करें, लार्वा व्हाइट, पेल, पेलिस व्हाइट इन कलर के होते हैं और इनका लेंथ या इनका हम लंबाई की बात करते हैं तो 3 to 9 mm अप्रॉक्स रहेंगे और इनके पास एग, इनके पास लेग नहीं रहेगा, सॉरी लेग्स इनके पास नहीं रहेंगे। जी हाँ, ये क्या हो रहे हैं, जो हमारे एडल्ट फ्लाइज हैं ये एग यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, एग लेइंग का काम कर रहे हैं, मतलब एग ये दे रहे हैं और ये एग नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, लार्वा का फॉर्मेशन कर रहा है, ये देखिए लार्वा का, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार ऐसे अगर कोई खराब पानी है, बहुत देर से स्टोर पानी है, स्टोर्ड वाटर है, तो वहाँ पर इस तरीके के लार्वा आपको देखने को मिल जाएंगे और यही लार्वा आगे जाते क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ये जनरेट, धीरे धीरे ये ग्रो करते करते लास्ट में प्यूपा का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिनके चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा प्यूपा और इसी प्यूपा से एक नए हाउस फ्लाई का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर। तो जब भी हम इनके मैगॉट की बात करते हैं, मैगॉट अपना लार्वा स्टेज रहेगा, याद रखना है। प्यूपा क्या रहेगा, पूरी तरीके से जब वो मैच्योर हो जाएगा और एक नए फ्लाई का फॉर्मेशन करेगा, ये आपका प्यूपा कहलाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ का क्वेश्चन है, हमीरपुर फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन। अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, इनमें से किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, बच्चे देखिए क्लियर समझिएगा, जो हमारे एंटोनी वान लियोन हुक होते हैं, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं। हुक की बात करें, रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप यूज़ किया था लेकिन इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया नहीं था। माइक्रोस्कोप बनाने वाले हैं हमारे एफ जेंसन एंड जेड जेंसन, जी हाँ, ये एक फादर एंड सन का टीम है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब के ऊपर और नीचे, टॉप एंड बॉटम में इन्होंने एक ग्लास को रख दिया और वहाँ से इन्होंने देखा कि जब हम उन पर लेंस रख रहे हैं तो ये जो ट्यूब है इनका साइज हमें मैग्नीफाइज होकर दिख रहा है, हमें इसका साइज बढ़कर दिख रहा है, तब यहाँ से इन्हें कॉन्सेप्ट आया कि हाँ, इस कॉन्सेप्ट के द्वारा हम माइक्रोस्कोप बना सकते हैं। तो यहाँ से इन्होंने इन्वेंशन किया माइक्रोस्कोप का और इस माइक्रोस्कोप का सबसे पहले यूज़ किया था रॉबर्ट हुक ने फॉर ऑब्जर्विंग द सेल इन प्लांट, प्लांट कॉर्क में इन्होंने सबसे पहले सेल देखा था। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले यूज़ किया था, क्लियर है। चलिए इन्वेंशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जेंसन्स आ जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम कैन बी स्टेंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के जितने भी हमारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, इन्हें हम किस मेथड के द्वारा स्टेन कर सकते हैं, DHS यानी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विस असम 2021 का क्वेश्चन है। ग्राम स्टेन्स नहीं, बिल्कुल नहीं, ग्राम स्टेन में हम क्या करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए फिर क्या रहे हैं, जेल नेल्सन स्टेन, जी हाँ बिल्कुल सही, एल्बर्ट स्टेन नहीं होगा, नाइजर स्टेन नहीं होगा, जेल नेल्सन स्टेन जिसे हम एसिड फास्ट स्टेन के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस या माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टेन कर सकते हैं। क्यों
क्यों ऐसा हो रहा है, दिमाग में आपके क्वेश्चन आने चाहिए, सर इसी मेथड के द्वारा या इस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हमें ये स्टेन क्यों चाहिए। क्योंकि जब हम इनके सेल लेवल की बात करते हैं, सेलुलर लेवल पर जब स्टडी करते हैं, तो इन माइक्रोबैक्टीरियम या इन माइक्रोबैक्टीरियम में क्या रहता है, इनके सेल वॉल में लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, साथ ही साथ माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण अगर हम इसे ग्राम स्टेनिंग में अगर डिनेचुरेट कर रहे हैं या प्राइमरी स्टेन दे रहे हैं या सेकेंडरी स्टेन दे रहे हैं, तब ये उन स्टेन्स को रिटेन नहीं कर पाते, उनसे ये हम उन स्टेन के द्वारा इन्हें स्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके सेल वॉल में एसिड क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से हमें इन्हें एक ऐसा स्टेन लेना है जो इनके एसिडिक लेवल को इनके सेल वॉल में जो एसिड प्रेजेंट हैं इन्हें ये डिस्ट्रॉय कर सके, तभी हम इन्हें स्टेन कर पाएंगे, जिसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर एसिड फास्ट स्टेनिंग का काम करते हैं। क्लियर है, एसिड फास्ट स्टेनिंग का यहाँ पर काम करते हैं, जिसे जेल नेल्सन स्टेन के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर पॉल एच रिच के द्वारा ये डिस्कवरी किया गया था और बाद में इसे जिसल नेल्सन के द्वारा मॉडिफाई किया गया था, इसीलिए इसे जिसल नेल्सन स्टेनिंग या हमारे एसिड फास्ट स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। अब जिस बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टेनिंग में पॉजिटिव देते हैं इन्हें एसिड फास्ट बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो इनमें नेगेटिव एक्टिविटी शो करते हैं उन्हें एसिड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है तो क्या रहेगा, हाई लिपिड कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज दे हैव द हाई माइकोलिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन देयर सेल वॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल विद द सेल वॉल आर विद द सेल वॉल, समझिएगा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसके साथ क्या पूछ दिया गया, सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। कहाँ का क्वेश्चन है, HPSSC हिमाचल प्रदेश SSC का क्वेश्चन है 2020 का, माइकोप्लाज्मा विरियोइड्स ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टेरिया। अब यहाँ पर समझिएगा, जब भी हम सेल वॉल की बात करते हैं, सेल वॉल हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेंगे, विरियोड्स यानी वायरस की बात करें इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें भी सेल वॉल एब्सेंट रहता है, तो सेल वॉल हमारा कहाँ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, बैक्टीरिया। क्या होते हैं बैक्टीरिया, एक प्रोकैरियोटिक इमैच्योर सेल ऑर्गेनल्स या इमैच्योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो पूरी तरीके से हमारे प्रोकैरियोटिक्स रहते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं रहते, इनका न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं रहता, बट इनके पास एक सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इनके पास प्रेजेंट रहता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एनसाइलोस्टोमा ड्यूओडेनल इज अ, इसकी बात करते हैं क्या हो रहा है, प्रोटोजुआ है, नेमाटॉइड है, एमोइबिया है और फंगस। क्या होगा यहाँ पर, जब भी हम इनकी बात करते हैं ये ध्यान रखना है हमारे राउंड वर्म्स होते हैं, ये राउंड वर्म्स होने के कारण हम वर्म्स को किस नाम से जानते हैं, नेमाटोड्स के द्वारा, नेमाटोड्स स्पीसीज के रहते हैं, नेमाटोड्स के अंतर्गत ही आएंगे, एक हिसाब के हमारे राउंड वर्म्स रहते हैं जो ह्यूमन, डॉग, कैट इन सभी के स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेंगे, और इसी के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है राउंड वर्म इन्फेक्शन होता है, ये सभी राउंड वर्म इन्फेक्शन या हुक वर्म इन्फेक्शन की बात करते हैं, ये इन्हीं सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। हमारे क्या आ रहे हैं, ये हमारे वर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर करेंगे, वर्म्स में है इसलिए नेमाटॉइड्स कहला रहे हैं। चलिए फिर आते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन विच टाइप ऑफ कलर इन ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, ग्राम स्टेनिंग में कौन सा कलर देगा, रेड, वायलेट, ग्रीन या येल्लो। चलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कहाँ का क्वेश्चन है, हरियाणा फार्मासिस्ट 2017 का क्वेश्चन, रेड कलर देगा, वायलेट कलर, ग्रीन या येल्लो। चलिए हटा दीजिए, ग्राम स्टेनिंग की बात करें तो ग्रीन और येल्लो को ही नहीं मिलता, रेड की बात करते हैं तो हमारे ग्राम नेगेटिव देते हैं और ग्राम पॉजिटिव हमारे क्या कर रहे हैं, वायलेट या पर्पल कलर का ये कलर शो कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी स्टेन को ये रिटेन करते हैं और वायलेट कलर या पर्पल कलर हमें शो करते हैं। ग्राम पॉजिटिव की बात करें, यहाँ इनका सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनका जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन का लेयर रहता है वो बहुत ज़्यादा थिक रहता है, इसी कारण से प्राइमरी स्टेन को ये रिटेन कर लेते हैं और हमारे वायलेट कलर दे रहे हैं। चलिए फिर आते हैं,
which of this is used for the preparation of bacterial culture? अभी मैंने बताया था, इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसका यूज़ हम बैक्टीरियल कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी पर किसका यूज़ किया जाता है? कहाँ का क्वेश्चन है? NCL नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शंस है अगर, ट्रैगाकांत, एल्जीन एंड पेक्टीन। करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका अगर। अगर मैंने बताया था इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंग्रेडिएंट, सबसे ज़्यादा एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो उनके ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो इन्हें अगर में ही मिल पाता है। ठीक है, अगर का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा हम किसी भी नेचर को, किसी भी कल्चर को सॉलिडिफाई करने के लिए, ताकि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। और दूसरा हम यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? पेप्टॉन्स यूज़ करेंगे, मीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर फॉर द ह्यूमिडिटी, सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, एसेंशियल मेटल्स एंड मिनरल्स, जो ये एडिशनल चीज़ें हैं जिसे हम यूज़ करके, ऐड करके इनका ग्रोथ और इन्हेंस कर सकते हैं। ग्रोथ इन्हेंस के लिए इन सभी को हम यहां पर यूज कर रहे हैं। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। क्या रहा क्वेश्चन यहां पर? द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन लिविंग सेल कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूज ऑफ। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए किस स्टेन का हम यूज कर रहे हैं? न्यूट्रल रेड, मिथाइलिन ब्लू, जेनस ग्रीन या हमारा फिनोप्थेलिन। करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? जेनस ग्रीन। याद रखेंगे जेनस ग्रीन हमारा क्या होता है? बेसिक डाई होता है। इस कारण से ये हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनि, जितने हमारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं इन्हें ये यूज, इन्हें ये स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिनाजिन ग्रुप का ये डाइज रहते हैं और इनका यूज़ मेनली हम माइटोकॉन्ड्रिया को कलर करने के लिए करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन इंडिकेट्स द फॉलोइंग अबाउट द सेल। हैंगिंग ड्रॉप मेथड की बात करते हैं। आपने लैब में देखा होगा अगर किसी बैक्टीरिया को आपको चेक करना है, अगर उसका प्रेजेंस आपको देखना है, तो वाटर के ड्रॉप को आपने भी स्लाइड में कई बार हैंगिंग मेथड के द्वारा बनाया होगा। तो इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पहला, टू आइडेंटिफाई द शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया, टू आइडेंटिफाई द अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, मोटिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकलेगा ऑल ऑफ द अबव। क्यों भाई? क्योंकि जब हम उसे हैंगिंग ड्रॉप के द्वारा कर रहे हैं तो यहाँ से हमें प्रॉपर उनका मोटिलिटी देखने को मिल रहा है, उनका मूवमेंट देखने को हमें मिल जाएगा, क्योंकि उनके लिए मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर एक उनके पास स्पेस रहेगा ताकि वो आसानी से वहाँ पर मूव कर सकें। दूसरा, हम उनका अरेंजमेंट भी देख सकते हैं और ऑब्वियसली उनका साइज एंड शेप तो देखा ही जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। राजस्थान फार्मासिस्ट 2012 का क्वेश्चन है, पेपर नंबर 2। चलिए देखा जाए, अगर आपने ये किया होगा प्रैक्टिकल में, यहां आपके पास एक स्लाइड हो गया जो बीच से इस तरीके का आपका यहां पर स्पेस रहेगा और यहां हम कवर स्लिप में हमें जिस एजेंट को या जिस भी हमें स्पेसिमेन को चेक करना है, हम उसका एक ड्रॉप यहाँ कवर स्लिप पर डालेंगे और इसे इस तरीके से हम रख देंगे। माइक्रोस्कोप ऊपर की ओर रहेगा और यहाँ पर जो हमारा ये हैंगिंग ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे स्पेसिमेन है वो क्या कर रहे हैं? हैंग हो रहे हैं, यहाँ पर वो मूव कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये आसानी से यहाँ इस एरिया पर मूव कर सकते हैं, इसलिए इनका मोटिलिटी देखा जा सकता है। दूसरा, इनका अरेंजमेंट भी हम देख सकते हैं और इनका साइज एज वेल एज शेप यहां से देखा जा सकता है। क्लियर? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर। चलिए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक डाई। एसिडिक डाई की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एसिडिक डाई यहां पर है? इओसिन, क्रिस्टल वॉयलेट, मिथाइलिन ब्लू एंड नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या निकलेगा? एसिडिक डाई, क्योंकि इओसिन हमारे एसिडिक डाई निकलेगा, क्योंकि जब हम क्रिस्टल वॉयलेट की बात करते हैं ये हमारा पॉजिटिव डाई हो जाता है, मिथाइलिन ब्लू हमारे पॉजिटिव डाई में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, एसिडिक डाई की बात कर रहे हैं तो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स को डाई करने, बेसिक कंपोनेंट्स को हमारे स्टेन करने में यूज हो रहे हैं। एसिडिक डाई है मतलब एनायनिक है, इनमें नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है मतलब जब हम इसे कहीं अप्लाई
अप्लाई करने जाएंगे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो ये एज अ एसिडिक ये क्या करेंगे, बेसिक कंपोनेंट्स को स्टेन करेंगे। बेसिक कंपोनेंट्स मतलब क्या हो रहे हैं, हमारे जितने साइटोप्लाज्म रहेंगे इन्हें क्या करेंगे, ये स्टेन करेंगे। और वहीं अगर हम बेसिक डाई की बात करें तो ये क्या करेंगे, अपने अपोजिट चार्ज को ये स्टेन करेंगे। बेसिक डाई है तो क्या करेंगे, एसिडिक कंपोनेंट्स को ये स्टेन करेंगे। जैसे हमारे सेल वॉल न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए आएंगे, जेनेटिक मटेरियल्स आएंगे, इनमें क्या रहता है, ये इनमें पॉजिटिव इनमें नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिक डाई होने के कारण, ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को स्टेन कर रहे हैं। क्लियर, जस्ट वाइस वर्सा आपको रखना है। अगर एसिडिक डाई है तो बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा, बेसिक डाई है तो हमारे एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करेगा। क्लियर है, चलिए इजी था, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसका आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करके अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आप बहुत ही इजी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची स्पोर फॉर्मेशन कैन बी इंड्यूस्ड ओनली ऑन स्पेसिफिक मीडिया सच एज, जब हम इसके स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची की बात करते हैं, तो किस मीडियम में इसे हम ग्रो करवा सकते हैं, विल्सन ब्लेयर मीडियम, मैकोनी मीडियम, एलनर्स मीडियम और हमारे थेयर मार्टिन मीडियम। यहाँ पर एलनर्स मीडियम आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। एलनर्स मीडियम के द्वारा हम स्पोर्स का फॉर्मेशन इस स्पीशीज के लिए कर सकते हैं। अगर दूसरे की बात करें, मैकोनिक्स की बात कर रहे हैं, ये हमारे ग्राम नेगेटिव के लिए रहता है। अगर विल्सन्स की बात करते हैं, हमारे साल्मोनेला टाइफी के लिए रहेगा। वहीं थेयर मार्टिन्स की बात करते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ ओनली द पैथोजेनिक बैक्टेरियास। क्लियर है, तो यहाँ पर एलनर्स कल्चर मीडिया का हम यूज करेंगे इनके स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया विच नीड्स ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ आर कॉल्ड, ऑक्सीजन इन्हें चाहिए भैया, ऑक्सीजन चाहिए तो क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर एरोबिक हो जाएंगे। याद रखना है, जहाँ पर एरोबिक आपको मिल रहा है, एरोफिलिक एरोबिक मिल रहा है, करेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, माइक्रो एरोफाइल बैक्टीरिया ये क्या होंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ये ग्रोथ कर पाएंगे, या दे नीड द ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ। दूसरा फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी ये क्या होंगे, ऑक्सीजन के उपस्थित ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही ग्रो कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन उन्हें प्रॉपर क्वांटिटी पर मिलेगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनारोबिक हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी, माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलस बैक्टीरिया, थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया आ रहे हैं, देखिए सब सारे कंपोनेंट्स को जरूर से याद करेंगे। माइक्रो एरोफाइल्स आपके क्या हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन के लेवल पर रह रहे हैं। एनारोब्स क्या हो रह रहे हैं, जो हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए नॉन ऑक्सीजन या इन्हें ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं पड़ता, एक ऐसा एनवायरमेंट जहाँ ऑक्सीजन का क्वांटिटी बहुत ही कम रहे या तो ना के बराबर रहे, वहाँ ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 1341, द आयन डेट इज रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा ऐसा आयन है जिसका बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए रहता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोबाल्ट एंड सोडियम। देखिए सोडियम ज़्यादा यूज होगा, कैल्शियम भी ज़्यादा यूज होगा, मैग्नीशियम भी सबसे ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। बट वहीं अगर हम कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगा। सल्फेट की बात करते हैं, फॉस्फेट की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, ये सभी इन्हें हाई कॉन्सेंट्रेशन पर चाहिए एज़ कम्पेयर टू द कोबाल्ट। कोबाल्ट को इन्हें बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन पर ये रिक्वायर करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सभी हमारे हाई क्वांटिटी पर चाहिए रहते हैं। आगे है क्वेश्चन यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द एंशियंट हिस्ट्री डिजीज वेयर थॉट टू बी कॉज्ड बाय, एंशियंट हिस्ट्री में ये मान्यता थी कि डिजीज जो हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, कौन से रीजंस यहाँ पर हो सकते हैं। ऑप्शंस पढ़ते हैं, बैड स्मेल, ह्यूमर इनबैलेंस, सिंस ऑफ द सोल, मतलब अगर आपके सोल में किसी तरीके का अगर फॉल्ट है, या अगर बोलते हैं
सोल अगर आपका पवित्र नहीं है, अगर आपका आत्मा अगर पवित्र नहीं है, उसके द्वारा अगर कोई गलती हुआ है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है आपको डिजीज़ होने का। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपके तीनों सही हो रहे हैं। बैड स्मेल के कारण, ह्यूमर में किसी तरीके का इम्बैलेंस आता है, या अगर हमारे सोल्स में अगर हम अंदर से प्योर नहीं है, तब हमें एक कोई डिजीज़ हो सकता है। ये प्रीवियस टाइम पर माना जाता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा ऑल ऑफ द अबव, बैड स्मेल, इम्बैलेंस इन एनी ह्यूमर और सिंस ऑफ द सोल। और यहाँ पर इनका ट्रेजडी, इनका यहाँ पर रेमिडीज भी दे दिया गया है। अगर बैड स्मेल की बात कर रहे हैं, रिमूविंग और मास्किंग द ऑफेंडिंग ऑर्डर्स, अच्छे ऑर्डर्स पर रहकर भी हम बैड स्मेल से दूर हो सकते हैं। इम्बैलेंस इन ह्यूमर अगर हो रहा है, तो ब्लीडिंग या स्वेटिंग होने के या वॉमिटिंग होने के कारण ह्यूमर्स पर हम बैलेंस में वापस से आ सकते हैं। सिंस ऑफ सोल, अगर हमारे आत्मा में अगर हम अगर अंदर से हम प्योर नहीं हैं, तब हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को, बाय द प्रेयर, प्रेयर के द्वारा हम या रिचुअल्स के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं, किसी भी डिजीज से हम दूर रह सकते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री पर ऐसा माना जाता था, बट अब ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी तरीके का डिजीज़ हो रहा है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई इन्फेक्टियस सब्सटेंस ही रेस्पॉन्सिबल रहेगा। क्लियर? चलिए आगे क्या है यहाँ पर। ऑन मेल्टिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए गिव्स मोर नंबर ऑफ, जब हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को मेल्ट कर रहे हैं, इसे मेल्ट करने समय हमें कौन सा कंपोनेंट सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पर मिलेगा, साइटोसिन एंड गुआसिन, साइटोसिन एंड थायोनिन, साइटोसिन एंड एडिनिन, एंड एडिनिन एंड थायोसिन। क्या हो रहा है यहाँ पर, साइटोसिन एंड गुआसिन, याद रखेंगे साइटोसिन एंड गुआसिन। जब भी हम किसी ऐसे डीएनए की बात करें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, अगर कोई डीएनए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो वो कब स्टेबल होगा सबसे ज़्यादा, जब उनमें साइटोसिन एंड गुआनिन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। अगर साइटोसिन और गुआनिन का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, मतलब वो डीएनए सबसे ज़्यादा हमारा स्टेबल है, और सबसे ज़्यादा स्टेबल है मतलब इसे मेल्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर भी ज़्यादा चाहिए। इट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसके अंदर जो बॉन्ड्स रहेंगे इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। तो हमारे करेक्ट आंसर आएंगे साइटोसिन एंड गुआनिन। क्लियर? चलिए क्लास 100 एरिया की बात करते हैं। क्लास 100 का यूज कहाँ किया जाता है, क्लीन रूम इज यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्लीन रूम इज यूज्ड इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, क्लीन रूम इज यूज्ड इन एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन फार्मा इंडस्ट्री, एंड क्लीन रूम इज यूज्ड इन हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स। यहाँ पर क्लास 100 की बात करते हैं, मतलब क्या हो रहा है, पर क्यूबिक फुट में यहाँ 100 पार्टिकल्स से कम रहेंगे, उस एरिया को हम क्लास 100 के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ इन एरियाज का यूज़ किया जाता है, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, या अगर हम किसी तरीके के पेरेंटल्स को फील कर रहे हैं, किसी तरीके के सॉल्यूशन को अगर हम फील कर रहे हैं, वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ कम से कम कॉन्टेमिनेशन का चांस रहे। क्लियर? 100, क्लास 100 की बात करते हैं, इनका यूज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड फिलिंग के लिए। क्लास 1000 की बात करें, बैकग्राउंड रूम कंडीशन रहेगा। दूसरी बात करते हैं, क्लास हमारे 10000 की बात कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन टू बी फिल्टर्ड, यहाँ फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। क्लास 100000 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हैंडलिंग के लिए हम यूज करेंगे। अगर किसी एरिया पर हम किसी प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्लास 100000 का यूज करेंगे। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द सेल नंबर ऑफ ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ कल्चर, किसी कल्चर में अगर हमें ये देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे कंफर्म करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, टर्बिडी डीटी मेथड, सिलेंडर प्लेट मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड एंड नन ऑफ द अबव। बहुत ही इजी है। अगर हम यहाँ देखते हैं टर्बिडिटी मेथड की बात करें, टर्बिडिटी मतलब मेथड मतलब क्या हो रहा है, हम सबसे पहले किसी सैंपल को लेंगे, किसी स्पेसिमेन को लेंगे, और हम उसे बहुत देर तक इनक्यूबेट करके रख देंगे, हम उसे बहुत देर तक एक जगह पर रख देंगे, प्लेस कर देंगे, और वहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, अगर उस सॉल्यूशन का टर्बिडिटी हमें इंक्रीज होता दिखेगा,
इट मींस क्या हो रहा है, वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहे हैं। अगर टर्बिडिटी सेम है तब तो यहां हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ टर्बिडिटी सेम है, मतलब किसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां ग्रोथ नहीं हो रहा है। जैसे सिंपली अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, अगर इस बॉटल में मैंने जो पानी रखा है, अगर इसे मैं 10 दिन तक एक एरिया पर रख दूं, 10 दिन तक अगर मैं किसी एक एरिया पर इसे रख देता हूं, और 10वें 12वें दिन अगर मैं देखता हूं कि यहां जो वाटर है, अगर 10-12 दिन बाद अगर इसमें टर्बिडिटी मिल रहा है, अगर इसमें धुंधलापन देखने को मिल रहा है, तब ये कंफर्म हो जाएगा कि इस वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो रहा है। वहीं अगर इसे 10-12 दिन 15 दिन रख दें और अगर इनका अपीयरेंस ऐसा ही रहेगा, अगर बिल्कुल भी टर्बिडिटी नहीं रहेगा, इट मींस क्या होगा, ये पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ किसी तरीके का माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो इस मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, टर्बिडिटी मेथड के द्वारा हमें क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को चेक करना है। क्लियर। चलिए टर्बिडिटी मेथड का यूज करते हैं। जब आप आगे बायो एसे पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तब आपके लिए ये और इजी हो जाएगा, वहां पर इसका यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टिपिकली कंटेंट्स क्या इनमें प्रेजेंट रहेगा, सिंगल लेयर्ड स्मूथ सेल वॉल, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एराबिनो गैलेक्टेंस एंड माइकोलेट्स इन देयर सेल वॉल्स। सेल वॉल्स पर क्या हो रहे हैं, माइकोलेट्स आ रहे हैं। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन कंटेनिंग म्यूरामिक एसिड एंड डी एमिनो एसिड इन देयर सेल वॉल, म्यूरामिक एसिड आ गया यहाँ पर। सेल वॉल्स कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली पॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब यहाँ पर देखिएगा, ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना, ग्राम पॉजिटिव में हमारे क्या रहते हैं, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है, थिकोइक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा रहता है। यहाँ पर देखिए रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एराबिनो गैलेक्टन नहीं काट दीजिए, पेप्टाइडोग्लाइकॉन तो है ठीक है, बट म्यूरामिक एसिड यहां पर प्रेजेंट नहीं रहता है। सेल वॉल कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली पॉलीसेकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, नहीं भैया ग्लाइकोप्रोटीन्स पेप्टाइडो ग्लाइकोप्रोटीन्स, या हम अगर लिपोपॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं, सेकेराइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, पॉलीसेकेराइड्स या लिपोपॉलीसेकेराइड्स, तो ये हमारे ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट रहते हैं, ग्राम नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल लेयर्ड स्मूथ सेल वॉल इनमें प्रेजेंट रहते हैं। और वहीं अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर वेवी सेल वॉल यहाँ हमारे स्मूथ हैं, लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या रहेंगे, वेव की तरीके से उनका जो सेल वॉल रहेगा इस तरीके से वेवी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहा है, ऑप्शन ए। चलिए देखा जाए ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव स्मूथ सेल वॉल है और यहाँ पर डबल लेयर्ड सेल वॉल, यहाँ सिंगल लेयर्ड और यहाँ हमारे नेगेटिव में डबल लेयर्ड, और साथ ही साथ जो सेल वॉल के अपीयरेंस कैसा है, वेवी है यहाँ पर। चलिए फिर बात करते हैं थिकोइक एसिड यहाँ प्रेजेंट रहेंगे ग्राम पॉजिटिव में और इनमें हमारे एब्सेंट रहेंगे। लिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बात करते हैं, तो इनमें लिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा, इनमें लिपिड्स का कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा। क्लियर। चलिए इंपॉर्टेंट रहेगा जब भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, जरूर से इन्हें याद करेंगे। ये बैक्टीरिया वाले टॉपिक में भी आपके कवर होंगे और स्टेनिंग में भी ये कवर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ग्राम स्टेनिंग पढ़ते हैं, तो जरूर से इन्हें याद करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनना ही रहता है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। आगे बढ़ते हैं। गिवन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बाय ग्राम स्टेन, दिस इज बिकॉज इट्स सेल वॉल कंटेंट्स। अब देखिए बताइए भैया, अगर पिछला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो बहुत ईजी हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ग्राम पॉजिटिव में इनमें से क्या प्रेजेंट है, लाइजोसोम नहीं, ये तो दोनों में प्रेजेंट रहेगा, इसे हटा दीजिए, थिकोइक एसिड। जी हाँ, ग्राम पॉजिटिव में थिकोइक एसिड प्रेजेंट रहता है, बट ग्राम नेगेटिव में थिकोइक एसिड एब्सेंट रहता है। लिपोपॉलीसेकेराइड्स की बात करें, ग्राम नेगेटिव डाल दीजिए। लिपोप्रोटीन्स की बात करते हैं, तो ग्राम नेगेटिव डाल दीजिए, सभी हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, थिकोइक एसिड। जी हाँ, थिकोइक एसिड हमारे ग्राम
पॉजिटिव में प्रेजेंट रहते हैं, और वहीं जितने लिपिड कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोटीन्स का कॉन्सेंट्रेशन है, ये हमारे ग्राम नेगेटिव में सबसे ज़्यादा रहता है। चलिए बताइए, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल हमारे लिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहेगा एज कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्लियर। चलिए एक बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। सरसरी तौर पर जब हम इनके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इनका सेल वॉल थिक रहता है और इनका थिन रहेगा। ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल में हाई कॉन्सेंट्रेशन पर पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्रेजेंट रहेंगे, वहीं यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकॉन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, लिपिड कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, और ग्राम नेगेटिव में लिपिड कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है। चलिए यहाँ पर जो हमारे मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, थिकोइक एसिड है और थिकुरोनिक एसिड है, वहीं इनकी बात करते हैं ग्राम नेगेटिव में तो हमारे लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन यानी लिपोप्रोटीन्स, लिपोपॉलीसेकेराइड्स और हम इनका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, वहीं पेप्टाइडोग्लाइकॉन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम रहेगा। किस तरीके का कलर शो कर रहा है? पर्पल कलर शो करेगा, और यहाँ पर पिंक या रेड कलर का हमें देखने को मिलेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो डिफ्रेंशिएशन याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक सेफ्रानिन और न्यूट्रल रेड आर यूज्ड एज, किस लिए इनका यूज करेंगे? प्राइमरी स्टेन, मॉर्डेंट, काउंटर स्टेन या डिकलराइजेशन। चलिए प्राइमरी स्टेन की बात करते हैं, यहाँ पर हमारे क्रिस्टल वॉयलेट आ जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। मॉर्डेंट के लिए हम आयोडीन यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा आपका। काउंटर स्टेन या जिसे हम सेकेंडरी स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर हमारे सेफ्रानिन का यूज़ किया जाएगा। सेफ्रानिन इज यूज्ड फॉर द सेकेंडरी स्टेन। और डिकलराइजेशन की बात करते हैं, यहाँ पर हम एल्कोहल या एसीटोन का यूज़ करेंगे, डिकलराइजेशन के तौर पर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर काउंटर स्टेनिंग, सेकेंडरी स्टेन हमारा निकल कर आ रहा है। काउंटर स्टेन क्या क्या यूज़ करेंगे? कार्बल 15, सेफ्रानिन और न्यूट्रल रेड, ये सभी हमारे क्या हो रहे हैं? सेकेंडरी स्टेन के तरीके से आ रहे हैं। चलिए आगे है यहाँ पर क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राम नेगेटिव रॉड्स, ग्राम ये सभी ग्राम नेगेटिव हैं एक्सेप्ट पूछा गया है। ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट वाली चीज़ों से हमेशा आपको सावधानी बरतनी है, एक्सेप्ट, नॉट और ये सभी चीज़ों से आपको ध्यान रखते हुए चलना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना। इनमें से सभी ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, सभी ग्राम नेगेटिव हैं एक्सेप्ट। ऑप्शंस क्लॉस्ट्रिडियम, एस्चिरिचिया, साल्मोनेला और सीजेला। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? एस्चिरिचिया कोलाई, ये तो हमारे ग्राम नेगेटिव होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। साल्मोनेला टाइफी, ये भी ग्राम नेगेटिव होते हैं। सिलेगा, ये भी हमारे ग्राम नेगेटिव होते हैं, बट क्लॉस्ट्रिडियम की बात करते हैं, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, ये हमारे क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे क्लॉस्ट्रिडियम। क्लियर है, हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जितने टिटैनी, ये क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, क्लॉस्ट्रिडियम फेरिंजस, ये सभी हमारे ग्राम पॉजिटिव रहेंगे। ग्राम नेगेटिव की बात करें, क्लिसिलिया, निमोनिया, सीडोमोनास, एरोजिनेसा, हेमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया, गोनोरिया, हेलिकोबैक्टर पायरोली, ये सभी हमारे ग्राम नेगेटिव रहेंगे, याद रखना है जरूर से। विच इज, आगे बढ़ते हैं, विच इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डिजीज मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। अब देखिए क्वेश्चन देखिए और ऑप्शन देखिए, तुरंत ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस पूछ रहा है, तो मेनिंजाइटिस वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं मेनिंजाइटिस स्पीसीज के, वही मेनिंजाइटिस कॉज करवाएंगे। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शंस की ओर जाने की जरूरत नहीं है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करवाएगा? ट्यूबरकुलोसिस करवा रहा है, टीबी करवा रहा है। कोरोना वायरस आपको सार्क, कोविड-19 कोविड या सार्क कॉज करवाने के लिए कोरोना वायरस आ रहे हैं। यहाँ पर नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ये क्या हो रहा है आपका? मेनिंजाइटिस कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा है, ठीक है, मेनिंजाइटिस कॉज करवा रहा है। वहीं पेट्रियोसिस की बात करें, वूफिंग कफ की बात करते हैं, बॉर्डेटेला पेट्रियोसिस, ये हमारे क्या कर रहे हैं? वूफिंग कफ कॉज करवा रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। रिडल वॉकर टेस्ट इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द स्ट्रेन, किस स्ट्रेन के द्वारा हम एस जी या किस स्ट्रेन के द्वारा हम रिडल वॉकर टेस्ट को
कि रीडल वॉकर टेस्ट को हम परफॉर्म कर रहे हैं, इनमें से किस स्ट्रेन को हम ले रहे हैं, एस जी रिचिया कोलाई, स्टाफाइलोकोकस न्यूरी, स्टाफाइलोकोकस पायोजेंस एंड साल्मोनेला टाइफी। जी हाँ, रीडल वॉकर टेस्ट का यूज़ करते हैं हम, साल्मोनेला टाइफी का यूज़ करते हुए रीडल वॉकर टेस्ट को हम परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। टाइफॉइड्स को मेज़र करने के लिए, टाइफॉइड्स को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, साल्मोनेला टाइफी को यूज़ करते हैं हमारे रीडल वॉकर टेस्ट में। क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया आर जनरली व्यूड बाय, फिम्ब्रिया जो हमारे बैक्टीरिया के सेल वॉल में एक बाहरी लेयर रहता है, जो हमारे हेयर प्रोजेक्शंस रहते हैं जिनका साइज दूसरे पीली के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा रहता है, इसे हम किस मेथड के द्वारा देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ग्राम स्टेनिंग, जेस्ट एन स्टेनिंग या नेगेटिव स्टेनिंग। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, काटते जाइए, नेगेटिव स्टेनिंग नहीं, बिल्कुल नेगेटिव स्टेनिंग से आप देख ही नहीं सकते इसको। जेड एंड स्टेनिंग या एसिड फास्ट स्टेनिंग की बात करें, यहाँ से भी पॉसिबल नहीं है। ग्राम स्टेनिंग में आप सिर्फ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम फिम्ब्रिया की बात कर रहे हैं, पिली की बात कर रहे हैं, सेल वॉल की बात कर रहे हैं, इन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, और साथ ही साथ इनके लिए एक प्रॉपर एक डिफ्रेंसिएशन, एक विजुअलाइजेशन स्टेनिंग होता है, जिसे फ्लैजिला स्टेनिंग या फिम्ब्रिया स्टेनिंग के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा हम किसी पर्टिकुलर एरिया को, किसी पर्टिकुलर पार्ट को हम स्टेन कर सकते हैं। तो हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम इसके फिम्ब्रिया को देख सकते हैं, ये हमारे बैक्टीरिया हो गए, और ये पीछे जो आपके हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो आपको लंबे साइज में, बड़े साइज में दिख रहे हैं, ये हमारे फिम्ब्रिया या फ्लैजिला कहलाएंगे, और ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को मूव करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं, बैक्टीरिया को मूव करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए एक और इजी सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, तुरंत लगा देंगे आंसर। लिपोपॉलीसेकेराइड इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ, लिपोपॉलीसेकेराइड से भैया, पॉलीसेकेराइड तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ आपको समय नहीं देना है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, ऐसे करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑर्गेनिज्म डेट आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लो टेम्परेचर्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 15 degree Celsius। देखिए इनमें से कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे 0 to 15 degree Celsius पर ग्रो कर रहा है, या इस टेम्परेचर वो उसे रिक्वायर्ड रहता है ताकि वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर सके। मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स और सिक्रोफाइल्स, यहाँ पर नॉन ऑब्जर्वर काट दीजिए अभी। जब हम साइक्रोफाइल्स की बात करते हैं, ये हमारे क्या हो रहे हैं, 0 to 15 degree Celsius पर ग्रोथ करते हैं। मीजोफाइल्स की बात करते हैं तो ये हमारे रूम टेम्परेचर यानी 37 degree to 40 degree Celsius पर ग्रो करते हैं, और वहीं जब हम थर्मोफाइल्स की बात करते हैं तो ये मोर देन 40 or 45 degree Celsius पर ग्रो कर लेते हैं आसानी से। इन्हें ग्रोथ करने के लिए हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, साइक्रोफाइल्स, ठीक है। साइक्रोफाइल्स क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ 15 degree Celsius से कम, मीजोफाइल्स हमारे रूम टेम्परेचर पर आ रहे हैं, थर्मोफाइल्स अबव देन द 45 degree Celsius। क्लियर। चलिए यहाँ एक और क्वेश्चन समझिएगा। द मेन कॉमन स्टेन यूज्ड इन द ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग में कौन सा इनमें से ऐसा स्टेन है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। क्रिस्टल वॉलेट एंड मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉलेट एंड सेफ्रानिन, क्रिस्टल वॉलेट एंड मेलाचाइट ग्रीन एंड सेफ्रानिन एंड मिथाइलिन ब्लू। चलिए क्रिस्टल वॉलेट एंड मिथाइलिन नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रिस्टल वॉलेट एंड सेफ्रानिन, जी हाँ बिल्कुल सही, क्रिस्टल वॉलेट का यूज़ किया जाता है फॉर द प्राइमरी स्टेन, और सेफ्रानिन की बात करते हैं दे आर यूज्ड एज द सेकेंडरी स्टेनिंग। क्लियर है, सेकेंडरी स्टेनिंग के लिए हमारे सेफ्रानिन और प्राइमरी के लिए हमारा क्रिस्टल वॉलेट, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है हमारे ग्राम स्टेनिंग के लिए। क्लियर, क्रिस्टल वॉलेट और हमारे सेफ्रानिन का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। चलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्या कौन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुईस पाश्चर,
लिस्टर एवी लियोन हुक, एंटोनी वान लियोन हुक या रॉबर्ट कोच? क्या होगा यहां पर? एंटोनी वान लियोन हुक, जी हाँ, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन्हें ही बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे रॉबर्ट कोच, हमारे रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था, इनमें लाइफ है, इनमें मूवमेंट है, ये मूव कर रहे हैं, इस कारण से इनमें लाइफ है, और इसी कारण से ये जो लाइफ इन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे रॉबर्ट हुक के द्वारा, उनके द्वारा तो सिर्फ एक सेल देखा गया था, लेकिन एंटोनी वान लियोन हुक ने बताया कि ये मूव कर सकते हैं, और मूव करने के कारण इनके पास लाइफ प्रेजेंट है, ये जीवित हैं, तभी ये मूव कर सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट एंटोनी वान लियोन हुक ने दिया था। इसी कारण से इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया, जैसे हमारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, बट एक्सेप्ट वायरस, ये वायरस का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनके पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। वायरस का साइज बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी से बहुत ही छोटा रहता था, जिसे देखने के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जरूरत है। इसी कारण से ये सिर्फ वायरस का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाए, और इन माइक्रोबायोलॉजी में प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, इन सभी का डिस्कवरी करने के कारण इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए फिर बढ़ते हैं। इफ मोर देन वन स्टेन इज यूज, सच स्टेनिंग इज कॉल्ड, अगर एक से ज्यादा स्टेन का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तब इसे क्या बोला जाएगा? सिंपल स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग। इजी है भैया, सिंपल स्टेनिंग में सिर्फ एक स्टेन का हम यूज़ करते हैं, नेगेटिव स्टेनिंग में ऐसे स्टेन्स का यूज़ करेंगे जिनमें नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं उन्हीं स्टेन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, नेगेटिव हो जाएगा। डिफरेंशियल, करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका यहाँ? डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग में हम एक से ज़्यादा स्टेन्स का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ग्राम स्टेनिंग, क्यों भैया? क्योंकि ग्राम स्टेनिंग में हम क्या करें, जब हम ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए हमें एक प्राइमरी स्टेन भी लेना है और एक सेकेंडरी स्टेन भी लेना है। हमने दो तरीके का स्टेन यहाँ पर यूज़ किया। एसिड फास्ट स्टेनिंग में भी यहाँ पर भी हम दो या दो से ज़्यादा स्टेन को भी यूज़ कर रहे हैं, इसी कारण से इन्हें डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। क्लियर? इजी था क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द स्टेनिंग फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, द मेथड विच इम्प्रूव्स कॉन्ट्रास्ट ऑफ स्पेसिमेन, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तब हम किस स्टेन या किस डाई का, किस स्टेन का हम यूज़ करके उस स्पेसिमेन के कॉन्ट्रास्ट को और इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमें रिजल्ट और अच्छा देखने को मिले। तो यहाँ पर पॉजिटिव स्टेन, नेगेटिव स्टेन, शैडो स्टेन एंड नन ऑफ द अबव। क्या आएगा यहाँ पर? नेगेटिव स्टेनिंग। याद रखेंगे, जब भी हमें उनका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, जब हमें चाहिए कि हाँ, जो हम स्पेसिमेन चेक करने जा रहे हैं इसका इमेज हमें और हाई क्वालिटी पर चाहिए, तब हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव स्टेन के द्वारा उन्हें स्टेन करेंगे ताकि और प्रॉपर तरीके से उन्हें हम देख सकें। चलिए यहाँ पर आते हैं, द इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन विच आर एक्सेप्टेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन के इनमें से किस फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाता है? नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनियम सॉल्ट्स और ऑल ऑफ द अबव। जब भी हम इनकी बात करते हैं, नाइट्रोजन, याद रखेंगे बैक्टीरियाज अपने प्राइमरी ग्रोथ के लिए, अपने लिए न्यूट्रिएंट्स, अपने लिए एनर्जी, ये ऑब्टेन करने के लिए नाइट्रोजन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनियम सॉल्ट, इन तीनों फॉर्म्स पर नाइट्रेट्स को या नाइट्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ आएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनियम सॉल्ट या डायरेक्ट अमोनिया भी ये यहाँ पर ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं है, नॉट अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। एस्चेरिचिया कोलाई, क्लेप्सिलिया निमोनिया और स्यूडोमोनास ओरिजिनेसा।
अब देखिए, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा, एस्चेरिचिया कोलाई हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, क्लेब्सिलिया निमोनिया हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, स्यूडोमोनास एरोजिनासा हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो रहे हैं। ये सभी करेक्ट होंगे, ऑल ऑफ द अबव, ये क्या हो रहे हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्वेश्चन पूछा गया है ग्राम पॉजिटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राम पॉजिटिव, तो ये सभी ग्राम पॉजिटिव नहीं है, ये सभी हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। यही अगर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी रहता तो आपके लिए यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव हो जाता, लैक्टोबैसिलस रहता तो आपके लिए ग्राम पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ग्राम नेगेटिव का तो हमने बात कर ही लिया था, ग्राम पॉजिटिव की बात करते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सभी हमारे आ जाएंगे, स्टेफेलोकोकस ऑरियस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और एंथ्रेक्स वायरस, ये सभी हमारे ग्राम पॉजिटिव में आ रहे हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय विच बैक्टीरिया। नाइट्राइट का कन्वर्जन नाइट्रेट में हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसाइट्स और नाइट्रोबैक्टीरिया या एजोटोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोसाइट्स और नाइट्रोसोमोनास, क्या होगा करेक्ट आंसर यहां पर, नाइट्रोबैक्टर। याद रखेंगे, नाइट्राइट से अगर नाइट्रेट का कन्वर्जन देखते हैं तो नाइट्रोबैक्टर यहाँ पर हेल्पफुल रहेंगे। नाइट्रोबैक्टर के द्वारा क्या हो रहा है, नाइट्राइट्स का नाइट्रेट्स में कन्वर्जन हो रहा है। और वहीं अगर हम अमोनिया की बात करें, देखिए यहाँ पर दो चीज़ याद रखेंगे, अगर अमोनिया से कन्वर्जन अगर नाइट्राइट में हो रहा है तो नाइट्रोसोमोनास के कारण हो रहा है, और फर्दर नाइट्राइट से नाइट्रेट की ओर लेकर जा रहा है हमारा नाइट्रोबैक्टर। याद रखेंगे, दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने ग्रोथ के लिए, जो अपने लिए एनर्जी लाने के लिए सल्फर कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑप्शंस है फेरोबैसिलस, मिथाइलोमोनास, थायोबैसिलस और नाइट्रोसोमोनास। चलिए यहाँ पर इजी तरीके से समझते हैं, फेरो में आपको यहाँ पर आयरन देखने को मिल जाएगा, आयरन को अगर कोई बैक्टीरिया यूज कर रहा है अपने ग्रोथ के लिए फेरोबैसिलस, मिथाइलोमोनास मतलब मीथेन का यूज कर रहे हैं अपने ग्रोथ के लिए मिथोमोनास, थायोबैसिलस मतलब हमारे सल्फर आ गए, और नाइट्रोसोमोनास मतलब अभी हमने देखा था जो नाइट्रोजन का यूज करेंगे हमारे नाइट्रोसोमोनास। करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर, थायोबैसिलस हमारे सल्फर बैक्टीरिया कहला रहे हैं, थायोबैसिलस हमारे आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कीमो बैक्टीरिया हैं, ये सल्फर का यूज करेंगे अपने लिए एनर्जी गेन करने के लिए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एक सीरोलॉजिकल टेस्ट से क्वेश्चन, विच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, डिक टेस्ट, डर के टेस्ट, कॉम टेस्ट एंड रोज वाटर टेस्ट। देखिए जब भी हम फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ सीरोलॉजिकल टेस्ट का टेबल आप जरूर से याद करके जाएंगे, जितने भी यहाँ सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं वहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ये आप जरूर से नोट डाउन करके रखेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा आपका डिक टेस्ट, याद रखेंगे डिक टेस्ट के द्वारा स्कारलेट फीवर का टेस्ट करेंगे, डिप्थेरिया के लिए सिक टेस्ट यूज कर रहे हैं, हीमोफिलस इन्फेक्शन के लिए डर्किस टेस्ट का, कॉम्स टेस्ट का ब्रुसेलियोस के लिए कर रहे हैं, और रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए रोज वाटर टेस्ट याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी स्टेन, द प्राइमरी स्टेन अप्लाइड इज डेक्स, विच स्टेन बोथ द वेजिटेटिव एज वेल एज द एंडोस्पोर्स। देखिए अब इनमें से ऐसा कौन सा प्राइमरी स्टेन है जिसका यूज हम बैक्टीरिया के दोनों पार्ट को स्टेन करने के लिए यूज करेंगे, चाहे वो उसका वेजिटेटिव सेल रहे या उसका एंडोस्पोर्स रहे। तो यहाँ पर क्या रहा है, इनके दोनों पोर्शंस को ये स्टेन कर रहा है, मेलाचाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन, सेफ्रानिन एंड नॉन ऑफ द अबव। चलिए मेलाचाइट ग्रीन की बात करते हैं तो इनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा रहता है, तभी ये हमारे एंडोस्पोर तक को स्टेन कर जाते हैं, एंडोस्पोर तक को ये क्या करते हैं, इन्हें स्टेन कर लेते हैं। क्रिस्टल वॉलेट की बात करें, नहीं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पोर्शंस और एज वेल एज हमारे सेफ्रानिन की बात करें, ये भी हमारे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव पोर्शंस को ही स्टेन करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं।
मेलाचाइट ग्रीन, इसका यूज़ हम स्पोर स्टेनिंग के लिए यूज़ करते हैं। याद रखेंगे इनके पास जो इनका पेनिट्रेशन पावर रहता है ये बहुत ज़्यादा रहेगा, ताकि ये ठीक स्पोर ऑफ बैक्टीरिया को भी आसानी से पेनिट्रेट करके इनके स्पोर्स तक को ये कलर कर देते हैं। मेलाचाइट ग्रीन हमारे करेक्ट आंसर आएंगे। चलिए देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी सोर्स ऑफ बैक्टीरिया एक्सेप्ट, इनमें से सभी बैक्टीरिया का एनर्जी सोर्स है, कहाँ कहाँ से बैक्टीरिया एनर्जी ले सकता है। चलिए देखते हैं, एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट याद रखेंगे यहाँ पर। ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जी हाँ बिल्कुल सही, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इनका यूज़ कर रहे हैं, इन्हें यूज़ कर सकते हैं। कीमो ऑटोट्रॉप्स हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी हमने देखा था, नाइट्रेट्स के अमोनिया का हमने बात किया था, ये क्या कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे नाइट्रोजन्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारे हो जाएंगे कीमो हेटरोट्रॉप्स, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ रहे हैं। फिर बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और यूटिलाइजेशन ऑफ विजिबल लाइट। अब देखिएगा यहाँ पर आपने ये देखा होगा फोटोबैक्टीरिया के नाम से कभी सुना है आपने, फोटोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोबैक्टीरिया लाइट का यूज़ करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ लाइट के क्या हो रहे हैं, हमारे फोटो बैक्टीरिया आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे फोटो ऑटोट्रॉप्स आ गए हमारे विजुअल लाइट्स के लिए, ऑर्गेनिक के लिए हमारे कीमो हेटरोट्रॉप्स आ गए, और इनऑर्गेनिक के लिए कीमो ऑटोट्रॉप्स आ गए। बट कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के द्वारा अपने लिए एनर्जी नहीं बना पाते, कोई भी मेल यहाँ पर बैक्टीरिया इस मेथड के द्वारा अपने लिए एनर्जी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। चलिए कीमो हेटरोट्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड को और कीमो हेटरोट्रॉप्स क्या कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे हैं, हेटरो यानी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए फिर आते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स मतलब क्या हो रहे हैं, जो ऑक्सीजन के लो कॉन्सेंट्रेशन पर रहते हैं, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो वहाँ पर उनका डेथ हो जाएगा। साल्मोनेला, टाइफी, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी और सार्सिना, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जब भी ऑब्लिगेट की बात करते हैं, यहाँ हमारे क्लॉस्ट्रिडियम आ रहे हैं, याद रखना है क्लॉस्ट्रिडियम क्या करते हैं, ये दे आर किल्ड बाय द नॉर्मल एटमोस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 20.95% रहेगा तो इस कॉन्सेंट्रेशन पर ये ग्रो नहीं कर पाते, इस कॉन्सेंट्रेशन पर इनका डेथ हो जाता है, याद रखेंगे। और इनके एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, एक्टिनोमायोसाइट्स आ रहे हैं, बैक्टीरियोइड्स आ रहे हैं, क्लॉस्ट्रिडियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस और प्रोपियोनी बैक्टेरियम, ये सभी हमारे क्या होंगे ऑब्लिगेट बैक्टीरिया से ऑब्लिगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे प्रेजेंट रहेंगे। चलिए फिर आते हैं, वर्सिएला जोस्टर इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। वर्सिएला जोस्टर की बात करते हैं, ये किसके लिए कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कहला रहा है, स्मॉल पॉक्स, डर्मेटोफाइटोसिस, हर्पस एंड ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहां पर आएगा एक हिसाब का हमारा क्या हो रहा है, हर्पस कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं, हर्पस कॉम्प्लेक्स वायरस होने के कारण ये हर्पस डिजीज को कॉज करवा रहे हैं, ठीक है, हर्पस डिजीज या जिसे हम चिकन पॉक्स बोल सकते हैं, इसे कॉज करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कलेरा रेड रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय किसके द्वारा, हम किस एजेंट का यूज़ करके हम कलेरा रेड रिएक्शन को देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड एंड हमारे कार्बोलिक एसिड। करेक्ट आंसर यहाँ आएगा हमारे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों हो रहा है चलिए देखते हैं। कलेरा रेड रिएक्शन में क्या होते हैं, इनमें हम उन सभी नाइट्रोबैक्टीरियास को हम इनमें ऐसे करते हैं, जो हमारे नाइट्रोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन्स का यूज़ कर रहे हैं, इन बैक्टीरियाज को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे कलेरा रेड रिएक्शन का यूज़ करते हैं। इनमें क्या हो रहा है, हम ये चेक करेंगे अगर नाइट्रेट्स का रिडक्शन हो रहा है नाइट्राइट में, नाइट्रेट से अगर नाइट्राइट बन रहे हैं, तो यहाँ अगर नाइट्राइट्स बन रहे हैं तो ये जो नाइट्राइट्स हैं ये हमारे सल्फर या हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हुए
एक रेडिश पिंक कलर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अगर रेडिश पिंक कलर हमें वहाँ देखने को मिल रहा है तब हम कंफर्म कर लेंगे कि भैया इस स्पेसिमेन में इस एरिया पर हमारे नाइट्रोबैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, नाइट्रेट्स को नाइट्राइट में चेंज कर रहे हैं। क्लियर। चलिए फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे, इसको भी हम सेरोलॉजिकल में डाल सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ कैरियर ऑफ साल्मोनेला टाइफी में भी सोन बाय, जब हम साल्मोनेला टाइफी की बात करते हैं तो हमें किस कल्चर मेथड या किस कल्चर मीडिया के द्वारा हम साल्मोनेला टाइफी इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फिकल कल्चर, हमारे बाइल कल्चर, यूरिन कल्चर या ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखेंगे साल्मोनेला टाइफी हमारे फीकल्स में ही प्रेजेंट रहते हैं, बाइल्स में ही प्रेजेंट रहते हैं, एज वेल एज हमारे यूरिन में भी प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इन्हें हम इन तीनों सैंपल से चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, डायग्नोस करना मतलब चेक करना, चेक कहाँ से कर सकते हैं, फीकल्स का सैंपल लेके कर सकते हैं, बाइल्स का सैंपल भी चेक कर सकते हैं और यूरिन का, क्योंकि ये हमारे इन तीनों पर्सन्स पर प्रेजेंट रहेंगे हमारे साल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड कॉज करवा रहे हैं। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करवाते हैं, हमारे टाइफॉइड कॉज करवा रहे हैं। चलिए क्या आ रहा है यहां पर क्वेश्चन 1370, द डेजी हेड कॉलोनी, डेजी हेड कॉलोनी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी एंड नन ऑफ द अबव। यहाँ पर डेजी हेड का मतलब क्या होता है, डेजी हेड कॉलोनीज जो हमारे बैक्टीरियाज यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, इनका जो कॉलोनीज जब हम इनके कल्चर बनाते हैं, जब इनका कल्चर मीडिया बनाते हैं, कल्चर मीडिया में जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो कॉलोनीज का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो बैक्टीरियाज जैसे अगर हम एक कॉलोनी में रहते हैं पर हम क्या करते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी मतलब क्या हो रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, वैसे ही अगर बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर कॉलोनीज मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में एक साथ आकर रह जाते हैं और कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनका जो कॉलोनी रहेगा ये कॉलोनी का अपियरेंस कैसा रहेगा, डेजी हेड रहेगा, मतलब ये हमारा अगर एक कॉलोनी है तो ये कॉलोनी कैसे दिखेगा, इसके साइड साइड में इस तरीके का हेड रहेगा, हेड इनके दोनों ओर प्रेजेंट रहेगा, इनके अगर ये कॉलोनी है तो इनके ऊपर भी इस तरीके का गोलाकार, नीचे भी इस तरीके के गोल हेड यहां पर प्रेजेंट रहेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डेजी हेड कॉलोनीज। और ये किसका स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, याद रखेंगे कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी जब हम इनका कल्चर बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, डेजी हेड कॉलोनीज का फॉर्मेशन करते हैं, इस तरीके का इनका फॉर्मेशन रहेगा, इनके कॉलोनीज में दोनों ओर क्या रहेंगे, हेड इनके सिर प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर। चलिए नेल मोसर रिएक्शन इज रिलेटेड टू, नेल मोसर रिएक्शन की बात कर ले, देखिए कुछ नई चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, रिकेट्सिया, क्लैमिडिया और स्पायरोचेट्स और लास्ट है क्लोस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। यहाँ पर ध्यान रखेंगे जब भी हम नील मोसर की रिएक्शन की बात करते हैं इसका यूज हम रिकेट्सियल डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे, रिकेट्सिया के द्वारा अगर किसी तरीके का डिजीज होता है तो उस डिजीज को चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए हम नील मोसर रिएक्शन का हम यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या निकल रहा है आपके लिए, रिकेट्सिया। ठीक है, रिकेट्सियल डिजीज के लिए हम इसे यूज करेंगे। रिकेट्सिया की बात करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैसिली प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव हैं और बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को रीजनरेट कर रहे हैं, अपने आप का रिप्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमोंग द फॉलोइंग परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाय यूटिलाइजिंग लाइट, ठीक है, लाइट के द्वारा यूज करके अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी, वायरस, साइनोबैक्टीरिया और नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा यहाँ पर, फंगी की बात करें, नहीं, फंगी कभी भी ये नहीं करते, फंगी के पास ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगा,
वायरस भी ऐसा नहीं करते। वायरस कैसे करते हैं, ये होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और होस्ट सेल्स से क्या करते हैं, अपने लिए एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके लिए यहाँ पर, साइनोबैक्टीरिया। याद रखेंगे साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज रहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं, अपने लिए क्या करेंगे ये बोला जाए अपने लिए न्यूट्रिएंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इनके पास प्रेजेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टर्म म्यूटेशन, म्यूटेशन वॉज कॉन्ड बाय पाश्चर, डार्विन, ह्यूगो डेब्राइस एंड लेमार्क। म्यूटेशन की बात करते हैं, म्यूटेशन क्या होता है, जब हमारे डीएनए में, डीएनए के सीक्वेंसिंग में किसी तरीके का अगर परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, डीएनए का जो हमारा सीक्वेंस है, जीनोम का जो सीक्वेंस है, अगर उसमें किसी तरीके का परमानेंट चेंज आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था, सबसे पहले वर्ड दिया गया था हमारे ह्यूगो डेब्राइस के द्वारा। ठीक है, ह्यूगो डेब्राइस क्या किए थे, इन्होंने बताया था कि अगर किसी तरीके का चेंजेस हो रहा है हमारे जीनोम के सिक्वेंसिंग में, इसे हम किस नाम से जानेंगे, म्यूटेशन के नाम से डिनोट करेंगे। क्लियर है, चलिए एट लास्ट यहां पर एक और क्वेश्चन क्या आ रहा है स्टेनिंग से, फिर से देखिएगा। द ऑर्डर ऑफ स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर इज, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में किस ऑर्डर पर हम स्टेन करते हैं, क्रिस्टल वॉलेट, आफ्टर दैट आयोडीन सॉल्यूशन, आफ्टर दैट अल्कोहल एंड एट लास्ट सेफ्रानिन। आयोडीन सॉल्यूशन, क्रिस्टल वॉलेट, सेफ्रानिन एंड अल्कोहल, अल्कोहल, क्रिस्टल वॉलेट, आयोडीन सॉल्यूशन एंड सेफ्रानिन, और अल्कोहल, आयोडीन, ऐसे इस तरीके का। चलिए अब जब इनकी बात करते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, जब भी हम यहाँ पर ग्राम स्टेनिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉलेट का यूज करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर आयोडीन का यूज करते हैं, और आयोडीन के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, डीकलराइजेशन एजेंट, डीकलराइजर का यूज करें, डीकलराइजेशन का यूज करेंगे, जिसमें हम एल्कोहल या हमारे एसीटोन का यूज करेंगे, और डीकलराइजिंग एजेंट के बाद हम एट लास्ट क्या करेंगे, सेकेंडरी स्टेन जो हमारे क्या रहे हैं, सेफ्रानिन, इनका यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्राइमरी स्टेन यूज करना है, प्राइमरी स्टेन के बाद हम क्या करेंगे, उस स्टेन को फिक्स करने के लिए आयोडीन का यूज करते हैं, जिसे आयोडीन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है, और थर्ड स्टेप हमारा हो जाएगा डीकलराइजेशन, जो एक्सेसिव प्राइमरी स्टेन को हटाने के लिए यूज किया जाता है, हमारे अल्कोहल या एसीटोन का यूज करेंगे, और इसके बाद हमारे सेकेंडरी स्टेन जिसमें हमारे सेफ्रानिन आ रहे हैं। तो चलिए इस ऑर्डर को मिलाइए, सबसे पहले हमारे क्रिस्टल वॉलेट, आयोडीन, एट लास्ट आयोडीन, फिर हमारे अल्कोहल या एसीटोन, और लास्ट में हमारा सेफ्रानिन आ रहा है। चलिए देखा जाए क्या आ रहा है, किस ऑर्डर पर है, क्रिस्टल वॉलेट, आयोडीन, अल्कोहल एंड सेफ्रानिन। करेक्ट आंसर निकल गया आपका यहाँ पर, ऑप्शन ए। ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट हमारे ग्राम पॉजिटिव हमारे ग्राम स्टेनिंग में सबसे पहला प्रोसीजर रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर हमें करते हुए चलना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे वॉलेट या हमारे ब्लू कलर दे रहे हैं, ग्राम नेगेटिव की बात करें रेड या हमारा पिंक कलर ये दे रहा है। क्लियर, चलिए फिर आते हैं यहाँ पर फैगोसाइटिक थ्योरी। फैगोसाइटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, फैगोसाइटिक थ्योरी मतलब क्या हो रहा है, फैगोसाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सेल के अंदर जितने डैमेज्ड टिश्यूज रहते हैं, इन सभी को ये क्या कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, लुइस पाश्चर, एली मेचनिकॉफ, बहरिंग एंड वाइडल। किसके द्वारा था यहाँ पर, एली मेचनिकॉफ। याद रखेंगे एली मेचनिकॉफ ने क्या किया था, फैगोसाइटिक सेल या फैगोसाइटिसिस का इन्होंने थ्योरी दिया था, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, फैगोसाइटिसिस के द्वारा क्या हो रहा है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ हमारे डैमेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जितने डैमेज्ड सेल वॉल्स हैं, डैमेज्ड टिश्यूज हैं, ये डाइजेस्ट किए जा रहे हैं। क्लियर, चलिए
आगे आते हैं, द स्टेन यूज्ड टू डिमोन्स्ट्रेट फंगस, फंगस की बात करते हैं, फंगस को स्टेन करने के लिए कौन सा हम यहाँ स्टेन यूज कर रहे हैं, एल्बर्ट, नाइग्रोसिन, लैक्टोफिनॉल, कॉटन ब्लू एंड नॉन ऑफ द एबव। यहाँ याद रखेंगे, जब भी हम फंगस की बात करते हैं, इनमें इनके जो सेल वॉल रहते हैं ये चिटिन से मिलकर बने रहते हैं, चिटिन से बने रहेंगे, इस कारण से इनका सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा रिगिड रहता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहता है, जिसे दूसरे किसी प्राइमरी स्टेन या किसी दूसरे ऑर्डिनरी स्टेन के द्वारा हम स्टेन नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ लैक्टोफिनॉल का ज़रूरत पड़ता है। लैक्टोफिनॉल में फिनॉल्स रहते हैं, ये फिनॉल क्या करते हैं, इस चिटिन को आसानी से डिकम्पोज कर लेते हैं, चिटिन को आसानी से डिसॉल्व कर लेते हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पर लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू के द्वारा ही हम फंगस को स्टेन कर सकते हैं। क्लियर है, फंगस स्टेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, लैक्टोफिनॉल ब्लू का, यहाँ कॉटन ब्लू का यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। चलिए, होप सो आपको यहाँ पर क्लियर होगा किस तरीके का क्वेश्चंस आता है, कैसे कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ पर आपको चीज़ें याद करते हुए चलनी है। जैसे अभी मैंने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बताया, इसे भी आपको ध्यान रखना है, दोनों के बीच डिफ्रेंशिएशन भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टेस्ट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल।